हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बहुत सारे तुम्हें दिखने वाला है न्यू अपडेट। हाँ यार, ओबी 45 के। वैसे मैं दो दिन से दे ही रहा हूँ, बट आज मेरे हाथ कुछ और भी अपडेट लगे हैं जिससे हम कुछ दिन बाद खेलने वाले हैं भाई, तो जानना तो जरूरी है ना। चलो ठीक है, इस वीडियो देखने के बाद मजा आने वाला है, तो एक लाइक कर देना अभी से। नहीं हो? हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो भाई नहीं हुए ना तो सब्सक्राइब याद से कर लेना, तभी तो और वीडियो देख पाओगे ना। तो चलो याद से और एक एक करके मैं सब कुछ तुम्हें दिखाने वाला हूँ, और वैसे भी कुछ दिन बाद अपडेट आ जाएगा तो समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, अब जो मैं फर्स्ट चीज दिखा रहा हूँ ना, ये देखो, हमारे गेम के अंदर अभी एक फ्लैश फ्रीजर के नाम का एक चीज होता है जिससे फेंकने के बाद कुछ इस तरह से वंडर टैप मिलता है, और उससे अंदर जाने के बाद हमें कुछ डैमेज पड़ता है, हमारा मोमेंट फिर थोड़ा स्लो हो जाता है। बट इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस बार आने वाला है कि जब तुम इसके अंदर एंटर होगे ना तो डैमेज तो देगा ही, लेकिन उसके साथ तुम अगर अंदर जाओगे तो 20% तक, पहले 10% मोमेंट स्पीड माइनस होता एंड अब इस पर अपडेट के बाद 20% मोमेंट स्पीड कम हो जाएगा एंड 10% तुम्हारा रेट ऑफ फायर, मतलब अंदर से फायर करोगे ना तो रेट ऑफ फायर भी 10% कम हो जाएगा। मतलब फ्लैश फ्रीजर थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन इसके अंदर उतना कुछ ज्यादा है नहीं तो फर्क तो ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, बट ठीक है, सोचा चलो बता दो तुम्हें ये वाला भी। खैर, दूसरी चीज, हमारे गेम के अंदर 3 ट्रीटमेंट गन देखने को मिलता है, ये तीनों तुम देख सकते हो। और जैसे कि इसलिए पिछले वीडियो में बताया था कि एक न्यू ट्रीटमेंट हीलिंग गन आने वाला हमारे गेम के अंदर, जो कि, अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये न्यू गन नहीं है। हाँ, मतलब न्यू गन है जो कि पिछले अपडेट में देखने को मिला था और फाइनली इस पर अपडेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका नाम RPG ऐसा कुछ था, मैं भूल गया शायद से। और ये वाला गन तो भाई किसी भी ग्लोबल किसी एनिमी के अंदर मार दो तो अच्छा खासा डैमेज देखने को मिल रहा था, बट न्यू जो गन आने वाला वो एक हीलिंग गन, जो कि ये कुछ ऐसा रहने वाला है। मतलब जो ट्रीटमेंट छोटा वाला है ना, जैसे हम किसी बंदे को मारते हैं तो 20 का डैमेज देता है, अपने फ्रेंड को हील करते हैं तो 20 का हीलिंग होता है, लेकिन इस बार इसका ना थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन होने वाला है। आई थिंक न्यू गन होगा या फिर इसी का, तो जिसका नाम रखने वाला है हीलिंग पिस्टल वाई। वैसे नाम सेम ही है, इसका हीलिंग पिस्टल नाम है और बस इसको लास्ट में वाई कर दिया, जो कि थोड़ा अपग्रेड होने वाला है। तो खासियत इसकी क्या होने वाली पता है? देखो, इस वाले गन से ना जब हम किसी को भी हील करते हैं ना तो भाई इसके अंदर मैक्सिमम 100 HP मिलता है, उसके ज्यादा तो भाई डिस्चार्ज हो जाता है, उसका फिर से चार्ज होना पड़ता है, लेकिन ये हीलिंग कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होने वाला है, मतलब ज्यादा तुम हील कर पाओगे एंड उससे भी OP कि तुम इससे ना दूर वाले प्लेयर को, मतलब तुमसे थोड़े दूर प्लेयर है उसे सीधा रिवाइव कर सकते हो इसी वाले गन से। भाई कैसे काम करेगा ये नहीं कर सकते, बट हाँ ऐसा कुछ आने वाला है इसी वाले गन के अंदर, जो कि होने वाला हीलिंग पिस्टल वाई, मतलब हीलिंग कैपेसिटी भी बढ़ चुका है एंड साथ में इसी गन से हम किसी अपने प्लेयर को रिवाइव भी कर सकते हैं। हाँ, मरने के बाद नहीं भाई, जब वो नॉक पड़ेगा तब की बात कर रहा हूँ मैं। खैर, है ना OP। चलो अब एक और तुम्हारे फायदे वाली चीज दिखाता हूँ। इस बार गेम के अंदर ना थोड़ा सा गेम में मतलब काफी ज्यादा सुधार होने वाला है, क्योंकि अब तुम अपने कम से कम रैम वाले गेम पे अंदर ना फोन के अंदर तुम फ्री फायर को इजीली प्ले कर पाओगे। कैसे? देखो, हमारे फोन के अंदर जब तुम रैम थोड़े अच्छे नहीं होते, 2 GB होते हैं, अच्छे खासे फोन हो तो भाई अच्छा खासा चलेगा ही, लेकिन थोड़े से कमजोर फोन होगा तो भाई फ्री फायर लैग वगैरह करता है। लैग करने का सबसे बड़ा रीजन है ना कि जब हम इसे डाउनलोड करते हैं तो इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, 400-500 MB का होता है, लेकिन गेम के अंदर जाने के बाद कम से कम इसका साइज 3 GB या 4 GB तो हो जाता है सब कुछ डाउनलोड करने के बाद, एंड इसी कारण से ये गेम काफी ज्यादा लैग करता है। बट इस बार इसका सोल्यूशन ये लोग ला रहे हैं। देखो, हमारे गेम के अंदर जो फाइल होते हैं ना, उसके अंदर काफी सारे मोड्स वगैरह ऐसे होते हैं जिससे हम कभी प्ले करते ही नहीं, लेकिन उसका फाइल डाउनलोड होता है पहले से ही। जैसे कुछ मोड ले लो या फिर कुछ बंडल्स ले लो या फिर कुछ अलग चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पहले से डाउनलोड पड़े हुए हैं, लेकिन हम उसका यूज करते ही नहीं है। मतलब कभी कभी जब वो आता है तब हम खेल लेते हैं, बाकी टाइम तो सारा कुछ ऐसे ही भाई डाउनलोड पड़ा रहता है हमारे गेम के अंदर, जिसकी वजह से स्पेस ज्यादा भर जाता है और भाई गेम का लैग करने का एक प्रॉब्लम बनता है, और इसी का सोल्यूशन ये लोग ला रहे हैं। तो एक ऐसा ऑप्शन आने वाला है जिसके भाई मतलब होगा कुछ ऐसा ना कि अगर हम किसी चीज का, किसी फीचर या किसी मोड का या किसी बंडल का 1 महीने से ज्यादा उसे यूज ना करें ना, मतलब कंटिन्यू अगर 1 महीने तक उसे यूज करें ना, तो ऑटोमेटिक से उसका जो फाइल है हमारे गेम के अंदर फालतू में डाउनलोड हो पड़ा होगा ना, वो खुद से डिलीट हो जाएगा, मतलब उसका स्पेस वहां से खाली हो जाएगा। जैसे कोई मोड है, हम उसे 1 मंथ तक उसे प्ले ना करें तो वो ऑटोमेटिक से वहां से डिलीट हो जाएगा, या फिर कोई बंडल हो या फिर कुछ और हो, खुद ब खुद रिकवरी मतलब ऑटो डिलीट करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है भाई, हमारे गेम का फाइल है जो डिलीट होगा काफी थोड़ा कम रहने वाला है, तो गेम भी अच्छा खासा चलने वाला है। तुम्हारे गेम का जो फोन का रैम है वो भी बहुत ज्यादा कम यूज होने वाला है, तो गेम तो स्मूथ चलेगा ही ना। केवल ऑप्शन आई थिंक काफी ज्यादा कूल होने वाला है जिसके पास लो डिवाइस के फोन वगैरह होते हैं, है ना? तुम्हारे पास भी है क्या तो बताना जरूर से। ओके, अब एक और चीज देखो, मैंने बताया था ना कि गेम पे एक न्यू गन आने वाला है, न्यू नहीं, Mac 10, जो कि सेम ना ऑक की तरह अब बिहेव करने वाला है। मतलब जब ऑक गन से किसी को फायर करते है ना तो भाई सीधा वो गन अपग्रेड होता जाता है, 200-300 डैमेज देने के बाद वो सीधा अपग्रेड होता जाता है। सेम वैसा ही फीचर्स इस वाले गन के अंदर भी एंटर होने वाला है। चलो खैर, इसे मैं तुम्हें बता दिया था ना, एंड साथ में इसके ना एक न्यू गन आने वाला है। आई थिंक न्यू गन नहीं, न्यू स्किन बोल सकते हो, जो कि एक ईवो स्किन होने वाला है, और ये होने वाला है पैराफाइल का स्किन, जो कि एकदम
खतरनाक ब्रो, भाई क्या बोलो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ और मजेदार चीजें उसके साथ में, वो भी दिखाता हूँ। बट उससे पहले बता दो यार, इस वाली क्लिप का क्रेडिट जाता है शांति मेंढाज का, तो इसके भी यूट्यूब चैनल है, जाके चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये भी काफी सारे इवेंट का बताता रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा लैंग्वेज अलग होने वाला है तो देख लेना। ओके चलो ठीक है। तो ये हमारे गेम का अंदर प्रैपेल का न्यू स्किन, आई थिंक ईवो वाला, जो कि देखने में कुछ ऐसा लुक के साथ में एक ड्रैगन वाला। वैसे हमारे गेम के अंदर जो एक ही है ना, उसके अंदर भी ड्रैगन है, उसके पंख वंख सब निकले, लेकिन ये ड्रैगन थोड़ा अलग होने वाला है। आई थिंक चाइनीज ड्रैगन ना, उसके अंदर कुछ ऐसा ही होता है, एक लंबा सा ड्रैगन होता है जो कि हवा पे उड़ता रहता है, सेम कुछ वैसा होने वाला है। अब देखो इस वाले गन का लेवल 1 पे देखोगे तो नॉर्मल एकदम चोक वाला, किसी प्लेयर को गन फेंक के मारेंगे ना तो भी मर जाएगा लगता है ऐसा देखने में। तो दूसरे लेवल पे देखा नॉर्मल है, तीसरे पे देखो तो आई थिंक थोड़ा सा किल इफेक्टर आते हैं, फोर्थ लेवल पे किल इफेक्ट थोड़ा ज्यादा आते हैं, एंड ये देख पांचवें अपग्रेड पे देखने को मिलेगा ये किलिंग एनिमेशन, जो कि भाई एकदम ओपी बोल सकते हो। वैसे सारे इवन का कुछ ऐसे ही होते हैं। सिक्स लेवल पे थोड़ा और ज्यादा अपग्रेड हो चुका है, जो कि काफी कूल देखने को मिल रहा है। एंड सातवें लेवल पे फाइनल अपग्रेड के बाद ये रहा हमारा किन का न्यू पैराफल का स्किन, जो कि देखने में तो सही यार, मतलब ठीक है, ये वो गन है, इतना तो चलेगा ना। तो देख लो यार, बहुत ज्यादा ओपी सा होने वाला है और ये इस बार हमारे गेम के अंदर एंटर होने वाला है। एंड इसके साथ ना एक न्यू स्काइविंग का स्किन आने वाला है, जो कि ये रहा। गाइस कैसा रहा ये न्यू स्काइविंग, देखने में ओपी है ना। और ध्यान से देखोगे ना, इसके अंदर चार सीट बने हुए, मतलब एक स्काइविंग के अंदर हम पूरे के पूरे स्क्वाड इसके अंदर बैठ के उतर सकते हैं। वैसे इसके पिछली बार एक आया था जिसके अंदर लटक के इधर उधर जा रहे थे ना, ये सेम बैठ के आने वाला है एक रेल गाड़ी की तरह। ये भी एकदम झकास है भाई, देख लो चार सीट बने हुए, एंड इससे हम ऊपर से बंदों के साथ में लैंड कर सकते हैं। तो तुम्हें ये वाला स्कैमिंग का स्किन कैसा लगा, मस्त है ना। चलो अब कुछ और देखो। वैसे तुम्हें पता है ना हमारे गेम का जो भाई एक बात चल रही है कि ओल्ड पिक को लाओ भाई, खरीने वाले ओल्ड पिक तो लाने से नहीं रहे, एक न्यू लूट बॉक्स ओल्ड पिक के थीम पे दे रहे। ये देखो एक लूट बॉक्स है जो कि सेम देखोगे ना, ओल्ड वाला जो पिक है ना उसी के ऊपर बना हुआ है। एंड इसके साथ यही नहीं, गन का स्किन भी देखने को मिलेगा जो कि P90 का है, एंड उसके ऊपर भी जो पूरा पिक का एक पोस्टर छपा हुआ है। लेकिन उससे भी ज्यादा आई थिंक कूल ना मुझे ये वाला लूट बॉक्स लगा, जो कि उसी ओल्ड पिक ब्रोकन हाउस के ऊपर है, जो कि टूटा वाला हाउस था ना, सेम। गाइस देख रहे हो क्या ऑसम लग रहा है। एंड इस बार अपडेट के साथ हमें देखने को मिलेगा ओल्ड पिक ऐसे लेवल पे, हाँ रियल पे नहीं भाई, मैप पे वो नहीं आने वाला, भूल जाओ उसे। हाँ और सर्वे में तो बता सकते हैं कि भाई ये आने वाला वो आने वाला, आई थिंक वो लाते नहीं है तो थोड़ा से इग्नोर करना ही बेटर है। ओके इसके साथ ना कुछ न्यू वॉस पैक आए हैं, जो कि तुम लोग ये देखो। अरे नूब, अरे भाई 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 मैटर हो गया भाई, मैं तो नहीं सकता ऐसे कुछ ना फनी सा इस पर वॉइस पैक वगैरह डिजाइन हुए, जो कि हमें कुछ इवेंट में कुछ और के तहत देखने को मिलेगा। वैसे वॉइस से याद आया ना, हमारे गेम का जो वॉइस है तुमने नोटिस किया है, सुना है क्या? हाँ मैं पुराने वाले वॉइस पैक की नहीं बात कर रहा हूँ भाई, ये कस्टम पे न्यू बहुत सारे वॉइस पैक यहाँ पर एड किए गए ना, एंड इससे तुमने शायद से इंग्लिश लैंग्वेज में सुना होगा, चूंकि आई थिंक उतना कूल तो नहीं लगने वाला। लेकिन ये सारी चीजों को अगर तुमने गेम का हिंदी लैंग्वेज करके सुना ना, तो भाई चलो थोड़ा सा मैं इसमें सुना ही देता हूँ। इंग्लिश में तुमने सुनी रखा होगा, चलो थोड़ा हिंदी में से सुन लो। पागलपन मेरे खून में है, नहीं यार प्लीज नहीं, बचाओ बचाओ। भाइयों तुम्हारा हीरो आ गया है, सम्मान। क्या नजारा है यहाँ, जीत के सिवा कुछ नहीं, लगे रहो दोस्त बस होने को है, लगता है तुम इसमें जान फूंक सकते हो। मदद करो मेरी, हाँ हाँ मेरी गलती, हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया। चक 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 चक, तुम कैप्टन कूल हो। क्या मानते हो ना कि हिंदी एकदम बेस्ट है यार, ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि हमारे गेम में ना, मतलब गेम खेले तो सब कुछ लैंग्वेज तो इंग्लिश में ही रहे, लेकिन जो जब हम किसी को मैसेज करें तो भाई वो हिंदी लैंग्वेज पे जाए ना, अपनी लैंग्वेज पे, तो आई थिंक थोड़ा ज्यादा कूल लगने वाला है। मतलब किसी को बोलेंगे तो सोचो अरे भाई भाई क्या क्या, मतलब बहुत ही कूल वाले हैं यार। तो हिंदी करने के बाद तो पूरा का पूरा लैंग्वेज हिंदी हो जाता है, एंड सामने वाले प्लेयर का भाई लैंग्वेज अगर हिंदी ना हो तो उसके पास वो चाहता ही नहीं है। और अगर ये लैंग्वेज सबके साथ में हिंदी में ही बोलता ना वो लैंग्वेज बस वॉइस वाला, तो आई थिंक ज्यादा ऐसा कूल होने वाला था मेरे हिसाब से, बट ठीक है क्या बोल सकता हूँ। खैर ये थी यार गेम के कुछ नए वाले अपडेट, जो कि इस बार हमें देखने को मिले, और इससे पूरी प्रैक्टिकल अच्छे से यूज करना देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे जो एडवांस सर्वर आने वाला था वो आई थिंक 7 तारीख को आने वाला था, बट देखते हैं अगर वो आज ही मिल जाता है या फिर कल मिलता है तो भाई एडवांस सर्वर के अंदर एंटर करके और भी ज्यादा कूल कूल चीजें ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि भाई एडवांस सर्वर देखने में तो मजा आता है। खैर चलो ठीक है, इस वाले वीडियो में गाइस इतना ही, वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना जो कि लगा होगा, और साथ में सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, बाय।